लखनऊ के जायकों की अगर बात आएगी एक कहकशा है नामों की जो साथ आएगी जैसे ही पहले दिन कुत्ता पराठा लेकर भागा तो लोग बेचारे अंदा दिन चलाए कुत्ता पराठा ले गया पकड़ो 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 नहीं जब पता चला तो लखनवी अंदाज बोले हमें छोड़िए अभी जब कबाब लेने आ गया तब पकड़ो नहीं <laughs> बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो अंग्रेजों ने अपनी सहूलत के लिए क्योंकि तो उन्हें ख़ास तरह से पेंट करना था अवध को ताकि वो अवध के अधिग्रहण को जायज़ ठहरा सकें एक बार फिर से स्वागत है यूपी से है पॉडकास्ट चल रहा है और हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट में शिरकत की है आहा कितने अच्छे अच्छे उर्दू की जबान इनको देख के <laughs> अपने आप ही जबान जो है ना डिटोल से साफ हो जाती है <laughs> <laughs> हिमांशु वाजपेई हमारे साथ में है लखनऊ की एक बहुत पुरानी विधा दास्तान गोई को जो अभी तक जीवित रखे हुए हैं और भी बहुत सारी बातें रहती है हिमांशु हमेशा की तरह फिर पूछना चाहेंगे कुछ बहुत ही दिलचस्प किस्से जो आप सुनाते हैं लखनऊ के नवाबों के बारे में कुछ हो जाए हम लवाओ कैसे तो हम कम सुनाते हैं हाँ। अवान के किस्से आम आदमियों के कैसे ज़्यादा सुनाते हैं तो हाँ। एक सुना देता हूँ आपको जो ये बहुत मशहूर है बहुत चलता भी है हमारे शोज में हाँ। और सुनने वालों को बड़ा मज़ा आता है इसमें कि वो क्या हुआ कि लखनऊ आहिस् मिजाजी का शहर है यहाँ बहुत से हर काम होता है धीरे धीरे तो सुकून में रहते हैं लखनऊ वाले यहाँ कहावत यहीं से बनी कि जल्दी का काम शैतान का तो क्या हुआ कि एक साहब थे वो कुछ करते नहीं थे अपनी धुन में मगन रहते थे ज़िंदगी का लुत्फ लिया जाए भाई आजगर करीना चाकरी पंछी करीना काम तो कोई काम नहीं करते थे वो क्योंकि फिर क्या हुआ कि उनसे पीयर प्रेशर एक चीज होती है भाई आसपास के लोगों ने कहना शुरू किया पीयर प्रेशर को अगर उर्दू में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे थोड़ा पड़ेगा तोला तो ये <सोचता laughs> तो है कि हम हमसरो का दबाव है ना का दबाव मुहाजरीन का दबाव नोट कर लीजिए इसे कहते हैं पीयर प्रेशर तब क्या हुआ कि उनसे कहा लोगों ने कि भाई तुम कुछ काम तो करो उन्होंने कहा क्या काम करें तो किसी ने कहा भाई देखो ऐसा है तुमसे काम वाम तो होगा नहीं क्योंकि तुमने इतने दिन काम किया नहीं है और फिर कोई गारंटी भी नहीं है भाई रिसेशन आ जाता है कभी कभी कोरोना मंदी <laughs> आ जाती है कभी लॉकडाउन आ जाता है एक काम करो जो कभी रिसेशन नहीं आ सकता कभी मंदी नहीं आ सकती कि तुम खाने पीने की कोई दुकान खोल लो लखनऊ में खाने पीने के इतने शौकीन है कि कैसी भी दुकान खोलो चल ही जाए तुमसे किसी ने कहा भाई कबाब पराठे की दुकान खोल लो आसान है और चलेगी अब बेचारे मजबूर हो गए

अंग्रेज पकड़ने आए थे नवाज साहब को उन्होंने कहा था कि गलत कोई चप्पल गलत है ये उन किस्सों में है जो बहुत यूं कहे कि पॉपुलर करवाए गए अच्छा बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो अंग्रेजों ने अपनी सहूलत के लिए क्योंकि उन्हें खास तरह से पेंट करना था अवध को Okay. ताकि वो अवध के अधिग्रहण को जायज ठहरा सके इसलिए उन्होंने क्या सहारा सहारा लिया लिया किस्सों का लिया। तो okay. उन्होंने ऐसे किस्से बनाए बहुत बहुत सारे कि कि जो झूठ थे उनमें कोई सच्चाई नहीं थी लेकिन वो किस्से मशहूर हुए और वो किस्से हम आज तक दोहराते चले आ रहे हैं क्योंकि किस्सों का इतना डोमिनेंस है हमारे समाज में राइट right. अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुँ. है तो किस्सा आप ये बस सुनाने वाली थी कि जब नवाब साहब को गिरफ्तार करने अंग्रेज आए तो सब चले गए हाँ। और नवाब साहब नहीं गए क्योंकि चप्पल नहीं था ठीक है है फैक्ट इसका ये कि अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को कभी गिरफ्तार नहीं किया फैक्ट चेक बिल्कुल फैक्ट है ये दूस, दूसरा फैक्ट चेक क्या है इसमें हाँ। कि वाजिद अली शाह अपनी मर्जी से कलकत्ता गए थे इसलिए क्योंकि उनका जो अधिग्रहण किया यानी उनको जब गद्दी से हटाया एक इश्तार जारी करके ब्रिटिश हुकूमत ने कंपनी सरकार ने तो वाजिद अली शाह का ये मानना था जो कि हम सबका मानना है जो उनके परस्तार लोग हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई थी अन्याय हुआ था नाइंसाफी हुई थी तो वाजिद अली शाह का ये मानना था कि भैया यहाँ तो नाइंसाफी हो गई okay. लेकिन अगर अपना पक्ष हम कलकत्ता में जाके रखेंगे जहाँ गवर्नर जनरल बैठते हैं तो चूंकि हमारे साथ ज्यादती हुई है तो जाहिर सी बात है कि हमारा इंसाफ में यकीन है तो हम वहां जाके पक्ष रखेंगे तो हमारा राज में वापस मिल जाएगा और अगर वहां से भी ना मिला तो हम कलकत्ता से लंदन जाएंगे और वहां मलका टूरिया से, क्वीन विक्टोरिया से अर्जी लगाएंगे और वहां से राज वापस मिल जाएगा तो इसलिए वाजिद अली शाह खुद गए लखनऊ से कलकत्ता और वो अकेले नहीं गए ऐसा हाँ। नहीं जो जिस किस्से में आता है कि सब लोग भाग गए जूते नवाब साहब जब यहाँ से गए हैं यानी जब अपने महल से निकले हैं तो एक दो दस बीस सौ लोग नहीं थे सैकड़ों हजारों लोग थे जो उनके हमराह चले हैं क़ैसरबाग से और सिर्फ क़ैसरबाग से लखनऊ की सरहद तक नहीं कानपुर तक उनके साथ हजारों लोग गए हैं उनको मनाने के लिए इस बात पे कि लखनऊ छोड़कर ना जाएं यहीं रहें क्या बात है एक काफिला पूरा गया है सैकड़ों लोग तो साहब अपने साथ ले गए अपने मुलाजिम अपने बावची अपनी बेगमात अपने मुंशी अपने दोस्त अपने गमखार कितने लोग लेकर गए तो है। ये किस्सा तो प्रथम दृष्टिया ही झूठा है कि उनको गिरफ्तार गिरफ्तार नहीं किया गया अंग्रेजों की हैसियत वो बादशाह था भाई वो गिरफ्तारी उनको तो अब उसमें जैसे इसी किस्से से जुड़ा एक और किस्सा अब लोग कहते हैं कलकत्ता में क्यों आई आलू वाली बिरयानी क्योंकि नवाब साहब के हाल खराब हो गए थे हुँ. उनके पास गोश्त के पैसे नहीं थे इसलिए उन्होंने वो आलू बिरया हाँ, ये ये किस्सा <laughs> अच्छा इसलिए क्योंकि वाजिद अली शाह को एक लाख रुपए हर महीने पेंशन मिलती थी उस जमाने में भी लाख उनका अपना एक प्राइवेट जू था कलकत्ता में भी यहाँ तो था ही वहाँ भी था हुँ. जिस जू में जानवरों के रख रखाव पे हजारों रुपए खर्च होता था महीने का तो जो जानवरों के खाने पर हजारों रुपए खर्च कर रहा हो हुँ. और जानवर जाहिर सी बात है अब शेर और चीते ये वेज तो होते नहीं है ही तो <laughs> खिलाया जाएगा right. तो जब इनके लिए हजारों रुपए है और एक हुँ. लाख रुपए महीने की तनख्वाह है Uh, मतलब पेंशन है हुँ. तो उस आदमी के पास गोश्त नहीं रहेगा हुँ. तो वो आलू डलवाएगा अरे भाई वो शौकीन आदमी था आलू उन दिनों नया नया आया था हिंदुस्तान में तो आलू बड़ी खास चीज समझी जाती थी तो आलू उन्होंने एक, एक इनोवेशन के तौर पे नवाचार के तौर पे आलू बिरयानी में वहां पढ़ा और इस तरह से फिर वो चल निकला क्या बात ये है उसकी कहानी अब आप कह दें, नहीं वो तो हाल खराब हो गए थे <laughs> तो तो... कितने मजेदार कितने दिलचस्प किस्से हिमांशु से सुनने को मिल रहे हैं तो हिमांशु अगर भाषा पे आए वापस से तो लखनऊ की भाषा से बहुत सारे लोग बहुत बहुत इंस्पायर होते हैं यू नो बोलना चाहते हैं अदब दिखाते हैं उनको लगता है लखनवी एक सामने है तो थोड़ा सा आराम आराम से बात करें लेकिन कहीं कहीं वो नुकता जो है ना वो ऐसे दर्जनों के भाव से लेकर के आते हैं हाल ही में एक कोई वेब सीरीज भी थी हमने उसमें भी देखा नुकता चीनी कुछ ज्यादा हुई थी <laughs> कि खाना हमें खाना चाहिए और खाना चाहिए <laughs> हाँ ऐसा क्या हुआ कि हाँ, एक साथ थे उर्दू से बड़ी उनको मोहब्बत हुई मोहब्बत शायद किसी और से हुई होगी नाम उर्दू का ले लिया चक्कर में उर्दू से भी हो गई उर्दू सीखना शुरू किया तो नया नया मामला था उनका तो पहुंचे बनिए की दुकान पे घी लेने के लिए बनिए से बोले भाई घी है घी तो उसने कहा भैया घी तो है लेकिन इतना गाढ़ा नहीं ये तो, बहुत अच्छा है और लास्ट टाइम की तरह हम इस बार भी कह रहे हैं कि जो नुकता नुकता कहते रहते हैं नुकता नुकता कहते रहते हैं जिंदगी में अगर कहीं मिल जाए तो लगा लीजिएगा नहीं जिंदगी में अगर कहीं नुकता मिल जाए तो लगा लीजिएगा जिंदगी सवर जाएगी हमें ऐसा तो लगता है कि आ, इसमें एक बात यह भी है जब हम ये बात करते हैं कि भाषा की संजीदगी और नुकतों खास तौर पे अब क्या बहुत सारे लोग लोक भाषाओं से निकल के आए हैं जिनके लिए उनकी पहली जबान कोई लोक भाषा है अवधि है भोजपुरी है और तमाम भाषाएं हैं उर्दू तो बहुत बाद में उनको उनको समझ में आया कि हाँ ये एक जबान है क्योंकि भाई उन, उन्होंने अपने परिवेश में उनको जरूरत भी नहीं पड़ी भाई वो अपनी भाषा में रमे हुए हैं शायद हम उनकी भाषा ना बोल पाए जी तो क्या हुआ कि अब जाहिर सी बात है कि एक नई भाषा आप बोल रहे हैं तो उसमें आपको मुश्किल आती है तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि इतनी गुंजाइश में दे देनी चाहिए बहुत सख्ती से कम पेश आए इसने नुक्ता में आपने खान पान पे लखनऊ के खान पान पे बड़ी अच्छी नज्म लिखी थी वो अगर अगर आपको याद हो तो क्या वो सुन सकते हैं उसका शूट तो बहुत पहले हुआ था तो नज्म तो पूरी तो हमें नहीं याद है लेकिन जितनी याद है वो सुना देते हैं हम लखनऊ के जायकों की अगर बात आएगी एक कहकशा है नामों की जो साथ आएगी शोहरत है आसमान पर टुंडे कबाब की ममदू की शिकंजी में मस्ती शराब की हैं सब के मन पसंद पसंद मुबीन के बर्मा वो बेकरी है कि खा जाओ छीन के बिरयानी में इदरीस ने जौहर दिखाया मुन्ना के समोसों में बड़ा लुत्फ है आया घुटवा के साथ किस्से भी हैं नौशी जान में पाए रहीम के हैं यहाँ सब के ध्यान में आए हाय लल्ला का जादू छाया है पीरो जवान पर अजहर का पान सस्ता है सबकी जबान पर भूलोक का अमृत है ये चाणक्य का मठा बीएमसी के अड्डों पे करें सब हंसी ठट्ठा गर्मी में हमने जब कभी राहत तलाश की कश्मीर ले गई हमें कुल्फी प्रकाश की सरदार जी के छोले भटूरों पे मार है सबके घरों में रखा अरोरा अचार है माशूक के लबों के ही जैसी कहें जिसे बर्फ़ी तो है त्रिवेदी की बर्फ़ी कहें जिसे किस किस का नाम लूं मैं किस किस का नाम लूम मैं हजारों का नाम है लखनऊ के जायकों का सफ़र ना तमाम है क्या बात है बेहद उम्दा बेहद उम्दा और हमें लगता है कि लखनऊ क्या अवध के जितने भी हैं फूड ब्लॉगर्स उन सबको इन नामों हाँ, पे हाँ। गौर फरमाना चाहिए क्योंकि हमने तो क्योंकि... तो फूड ब्लॉगर अच्छा काम कर रहे हैं हमें ये लगा कि एक आदमी कितनी रील देखेगा लखनऊ आएगा तो हम लगा यार एक ही रील कोई ऐसी हो जिसमें एक एक तरीके से गाइड हो हाई टनरी बन जाए कि भैया यहाँ यहाँ चले जाओ तो हमने उसको किया उसमें क्या है कुछ नाम तो बहुत मशहूर है कुछ नाम उन्होंने कहा है ये है तो हमने उनसे कहा भाई ये हमने बात रख छोड़ी है कि जिसको ख़ास दिलचस्पी हो वो आए और हमसे वो कुछ नहीं पूछा मुन्ना के समोसे कहाँ हैं तो हमने कहा भाई अब ये तो <laughs>

कुछ ना बेसिकली नेम नेम ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग है 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 लेकिन सारा ना है। क्या बात है? तो जो भी लखनऊ के फूड ब्लॉगर्स हैं या लखनऊ आकर के वो फूड ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो ये जो नज्म पेश की है ये आपके लिए आइटनरी का काम करेगी <laughs> इस पर जरा गौर फरमाए तो बहुत ही दिलचस्प किससे जारी रहेंगे ये बातचीत का सफर जारी रहेगा देखते रहिए यूपी से हैं